भी वो है, अनंत भी वो है, अनादि भी वो है, ओमकार भी वो है, वही ब्रह्मा भी है, वही शक्ति भी है और देवों के देव महादेव भी वो है। नमस्कार, BCN न्यूज में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। BCN न्यूज के सभी दर्शकों और शिव भक्तों को मेरी और BCN की संपूर्ण टीम की ओर से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व की खास मान्यता है। भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि है। साल महाशिवरात्रि आज यानी 11 मार्च को है। इस दिन शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना के साथ उपवास भी रखते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को पूजा के दौरान पुष्प, भांग, बेर, गाय का कच्चा दूध, दही, चंदन, देसी घी, गंगाजल आदि अर्पित करना शुभ होता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस दिन को बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है जिसकी जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आपको दूंगी। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव केवल एक लोटा जल और बिल्व पत्र अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से व्रत और पूजन करते हैं, शिव जी उनके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन शिवरात्रि के व्रत में कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक माना गया है। शिव पुराण में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें महापाप माना जाता है। शिवरात्रि के दिन ये कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा शिव जी नाराज होते हैं, जिससे आपको दंड का भागी भी बनना पड़ता है। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी समय दूसरों के लिए अपने मन में गलत भावना लाना या फिर किसी का बुरा करना आपको पाप का भागीदार बनाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना महापाप होता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में मिलने वाली कथाओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। इसके साथ ही जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या फिर जो लोग अपने सच्चे प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि का पर्व उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। यदि आप शीघ्र विवाह या फिर प्रेम विवाह की कामना रखते हैं, तो इस दिन सच्चे समर्पण के भाव से कुछ उपायों को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व काल में चित्रभान नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी थी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हुआ तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनन्यास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।
समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी चाय दिया। दोबार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जाके तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं सांप मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैंने इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन सर सुनकर शिकारी को उस पर दया गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक दृष्ट पृष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देकर शिकारी को बड़ी ग्लानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृत परिवार को जाने दिया। यह करुणा की वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही एवं बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि वह किसी तरह से किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृत परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में चार प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है, मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन करके तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। शिव के नेत्र ज्योति से नूर मिलता है।
हर भक्ति दिल को सुकून मिलता है। जो भी जाता है भोले के द्वार, मन मांगा वरदान जरूर मिलता है। भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि पर घनिष्ठा नक्षत्र और शिव योग सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन रुद्राभिषेक को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि 11 मार्च को रात 12:06 से लेकर 12:55 तक सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। आशा है कि इस महाशिवरात्रि भगवान शिव आपका दामन खुशियों से भर दे। फिर एक बार आपको मेरी व BCN की पूरी टीम की ओर से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।